फूलों के शहर में हो घर अपना, हर घर की सजावट अलग, हर घर की बनावट अलग, हर घर की ज़रूरत अलग, इसलिए सबकी ज़रूरतों के अनुसार आज हम सजाएंगे खास टेबल यानी कि सेंट्रल टेबल। यह है मेरी 15 साल पुरानी टेबल, इसको हम सजाएंगे 10 अलग अलग तरीक़ों से। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास रनर, फैंसी पॉट, डेकोरेटिव पीस ना हो तो कैसे सजाएं, यानी कि कुछ भी नहीं, लेकिन सबके पास ग्लास बॉटल होती है। मैंने इसको पेंट कर दिया है और मैंने एक मैट रख लिया है, उसके ऊपर बॉटल और बॉटल में फ्लावर रख दिए हैं। इट्स लुक ब्यूटीफुल एंड क्लासी। यह डेकोरेशन सब कर सकते हैं। दूसरा तरीका, प्लेन ग्लास टेबल को कैसे डेकोरेट करें। इसमें हम टेबल की लोअर एंड अपर पार्ट दोनों को डेकोरेट करेंगे। लोअर पार्ट के लिए मैंने एक ट्रे में शेल और आप स्टोन भी रख सकते हैं। मैंने एक प्लांटर भी रख दिया है। अपर पार्ट में मैंने ट्रे में टी लाइट होल्डर, कोस्टर और एक आर्टिफिशियल प्लांटर रख दिया है। इवन साइड व्यू इज लुकिंग ब्यूटिफुल। टेबल का टॉप साइड व्यू और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। कीप इट माइंड, ऑलवेज डेकोरेट बोथ पार्ट्स। तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। मैंने टेबल के ऊपर रनर बिछा दिया है, उसके ऊपर मैंने एक ट्रे को रखा है। ये एक DIY ट्रे है। अगेन मैंने बाउल में शेल, ग्लास बॉटल में फ्लावर्स एंड साइड में बुक को स्टैक करके रख दिया है। फोर्थ तरीका उन लोगों के लिए है जिनको सिंपल डेकोरेशन चाहिए। अगेन वही रनर एंड वही ट्रे मैंने ऐड किया है, ग्लास पॉट, टी लाइट होल्डर और DIY कप प्लांटर विदाउट होल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मैंने कोस्टर्स भी रखे हैं। इट इज़ वेरी सिंपल लुक। पांचवा तरीका ये उन घरों के लिए है जहां न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ा जाता है। उन घरों की टेबल की हालत कुछ ऐसी होती है। मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर को एक वुडन पॉट में रखा है और साथ में कुछ मिनिएचर भी रखे हैं। इट्स लुकिंग सिस्टमैटिक एंड ब्यूटिफुल। सिक्स तरीका उन घरों के लिए जहां ड्राइंग रूम में टीवी लगा हुआ होता है। मैंने यहाँ कॉपर बाउल में शेल रखे हैं, स्नेक प्लांट को ओल्ड टी कैटल में रखा है, मैंने मनी प्लांट को भी रखा है और उसी वुडन पॉट में मैंने रिमोट रखे हैं। दिस इज वेरी डिफरेंट स्टाइल एंड दिस लुक ब्यूटिफुल। सेवन तरीका उन लोगों के लिए है जो चेस खेलने के शौकीन हैं या रीयूज ओल्ड टॉयज करना चाहते हैं। मैंने चेस बोर्ड को टेबल पर एज ए ट्रे रखा है, इसमें मैंने कुछ बुक्स, DIY मिनीचर्स रखे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिमोट और टी लाइट होल्डर भी रखा है। दिस इज अगेन अनयूजुअल लुक जो सबके घर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एट्थ तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी टेबल बहुत खराब हालत में है। मैं ये टेबल क्लॉथ ले रही हूँ, इसको टेबल पर मैंने लगा दिया है। साथ ही मैंने ब्यूटीफुल ट्रे ली है और इसमें मैंने DIY लालटेन्स, मिनिएचर और बुद्धा और बुक्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड स्नेक प्लांट्स। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि कलर अच्छा होना चाहिए क्लोथ का। जितने भी DIY मैंने आपको दिखाए हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नाइन्थ तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास टेबल ही नहीं है। मैंने यहाँ पर स्टूल यूज़ किया है और उसके ऊपर ट्रे रखा है और ट्रे पे सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि मिनिएचर्स, कोस्टर्स, प्लांट्स, स्नेक प्लांट्स एंड रिमोट एंड बुक्स एंड दिस इज कोकोनट शेल बॉक्स एंड आई मेड इट। इफ यू वांट टू लर्न, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
एवरीथिंग इन वन ट्रे। टेंथ तरीका, जहां पर हम टेबल को सिरेमिक पॉट से डेकोरेट करेंगे। मैंने सिरेमिक पॉट के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है, ओरिजिनल प्लांट नहीं लगाया है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। और मैंने सिर्फ पॉट के नीचे एक मैट रखा है। इस लुक्स ब्यूटिफुल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।